हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रकृति, मैं जर्मनी में रहती हूँ और आज का मौसम बहुत अच्छा है और हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे जर्मनी के ये रो हाउसेस हैं, कितना साफ़ सुथरा है। और यहाँ की जर्मनी की जो रो हाउसेस हैं वहाँ पे वो सामने ना बगीचे भी रखते हैं बहुत सुंदर सुंदर से, उसको डेकोरेट करते तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितने सुंदर बगीचे हैं। और ये है यहाँ की अंडरग्राउंड ट्रेन, जिसको यहाँ पे लोग यू बान बोलते हैं। एकदम फास्ट स्पीड से आती है और बहुत ही प्यारी लगती है। और सफाई देखिए कितनी ज़्यादा सफाई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ओपन हो जाता है और हम ये चले। ये है जर्मनी के मरीन प्लास का अंडरग्राउंड स्टेशन। और मरीन प्लास एक बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एस्केलेटर कितना लंबा है, अभी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी। ये देखिए कितना लंबा एस्केलेटर है। और ये मरीन प्लास टूरिस्ट में बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें हैं, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने आए हैं। पहले हम गैलेरिया गए हैं, गैलेरी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हेड टू टो तक बैग्स मिल जाएंगे और ड्रेसेस, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती हैं। और आपको काफ़ी ऑप्शन भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ बैग के कितने ऑप्शन दिख रहे हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा किड सेक्शन एक्सप्लोर करने आए हैं, तो हम किड सेक्शन में जा रहे हैं। और ये हम बच्चों के किड सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी न्यू ड्रेसेस हैं, अभी सेल भी लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए कुछ जर्मन लोग की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं, जो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये जहाँ की लड़कियों की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जो उनके जो फंक्शन होते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन, उनमें ये लोग पहनते हैं। और अभी यहाँ पे अक्टूबर फेस्ट आने वाला है अक्टूबर में, तो उसके लिए भी यहाँ पे ड्रेसेस लगी हुई हैं। और हम यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम देखने आए हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों को बचपन से स्विमिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, तो हम भी यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम देखने आए हैं बच्चे का। यहाँ पे इसमें गैलरी में आपको 12 यूरो और 15-20 यूरोस में आपको काफ़ी रीजनेबल रेंज में आपको यहाँ पे ड्रेसेस मिल जाएंगी। ये हम फिर वहाँ से बाहर आए। यहाँ ये मरीन प्लास का एरिया है, जहाँ पे शॉपिंग की दुकानें, और लेफ्ट साइड यहाँ पे लोग बियर और कप्स केक्स सब पीते हैं। और आज सैटरडे है तो काफ़ी रश है यहाँ पे। और हम H&M गए तो वहाँ पे हमको तो सामान नहीं मिला, बट यहाँ पे बच्चों के खेलने का ये है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, लेगोज में बनाते रहते हैं, और लोग पेरेंट्स शॉपिंग करते रहते हैं। और ये है यहाँ की सुंदर सुंदर प्यारी सी बिल्डिंग्स। यहाँ पे जब भी आप कोई घर देखोगे तो वहाँ पे घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। और यहाँ बिल्डिंग भी एकदम ऐसे सजी हुई है, एकदम देखिए रेड कलर के फ्लावर लगाए हुए हैं खिड़कियों के पास, और इतनी प्यारी सी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। और ये हम यहाँ पे एक और शॉपिंग मॉल आए हैं, जिसका नाम है TK Maxx। यहाँ पे एकदम सस्ती चीज़ें मिलती हैं, इतनी सस्ती तो नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और उसके रेंज भी थोड़ा कम रहते हैं। और यहाँ पे लेकिन क्या ऐसे ड्रेसेस लगी रहती हैं, और कोई भी साइज़ का कहीं पर भी लगा रहता है, और रेंज भी इसमें कम होती है। बट ये कि आपको इसमें काफ़ी ढूंढना पड़ता है। और मैंने भी यहाँ से ड्रेसेस ली हैं, कुछ अच्छी ड्रेसेस भी हैं, बट ये है कि इतनी सारी ड्रेसेस रहती है कि ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे आपको इधर पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बैग्स मिल जाएंगा, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी का सामान और होम डेको का सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और इधर पर भी हम किड सेक्शन में जाके देख रहे हैं कि क्या क्या है।
और ये है बच्चों का किड सेक्शन। यहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, टॉयज़ मिल जाएंगे आपको, डेकोरेशन के सामान हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, और बच्चों की बहुत सुंदर ड्रेसेस हैं। जर्मनी में 300 प्लस ब्रेड की वैरायटी मिलती है, और यहाँ पे इतनी सारी ब्रेड्स की वैरायटी है, सैंडविचेस हैं, और ब्रेसल यहाँ का फेमस है, और ये सब आपको यहाँ पे 2 यूरो 3 यूरो के रेंज में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ की ब्रेड और पेस्ट्रीज बहुत फेमस है, और ये यहाँ पे डिस्प्ले में इनका ट्रेडिशनल ड्रेसेस लगा हुआ है, ये देखिए इनकी रेंज आपको 150 यूरो से 147 90 यूरोस इस रेंज में मिलेंगे आपको। ये 90 यूरोस का है, और ये बॉय का आउटफिट है, चड्डा जैसा। और ये है टॉय सेक्शन एरिया, यहाँ पे लेगो गेम्स की काफ़ी वैरायटी है, और यहाँ पे बच्चे बैठ के खेल भी सकते हैं। यहाँ पे साइड में ये दिया हुआ है खेलने का, और यहाँ पे बड़ा सा डायनासोर भी डिस्प्ले में रखा हुआ है, और अलग अलग वैरायटी के डायनासोर्स के टॉयज रखे हैं यहाँ पे। और ये है मरीन प्लाज का सबसे फेमस स्पॉट, इसको ओल्ड टाउन भी कहते हैं, और मोस्टली सारे टूरिस्ट यहाँ पे आके अपने वीडियो फ़ोटो सब बनाते हैं। और यहाँ पे साइड में आप बैठ के बियर और अपना लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आदमी सिल्वर मैन खड़ा है, ये अजीब तरीके की आवाज़ निकाल के लोगों को हंसाता है। और यहाँ पे सरकटा मिल गया, ये यहाँ पे हमें एक बस दिखी, ये डिनर हॉपर दी। ये बस में आप बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं फूड और खा सकते हैं, एकदम अलग ही टाइप की सरप्राइजिंग लगी मुझे। और ये यहाँ का लोकल स्ट्रीट एरिया है, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, और यहाँ पे हम मैकडॉनल्ड में आए क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी थी इतना घूमने के बाद। और मैकडॉनल्ड में यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं, और आज सैटरडे है तो भीड़ है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।